वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह टीवी के स्टूडियो तो मैं अरविंदर कौर प्रोग्राम पंथक सरगर्मियां लैके हाजिर हाँ। इस प्रोग्राम के असी आप जी ने सिख कौम दियाँ धार्मिक ते समाजिक गतिविधियां बारे जाणू करवाते हैं। बंदी छोड़ दिवस मौके श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों सिख कौम को दिता गया संदेश, क्या किसान अंदोलन के हक में ढाल बन के अगे आए खालसा पंथ। श्री हरिमंदर साहब जी, श्री दरबार साहब जी के आभा मंडल के जड़ बैठी गुरु रूप खालसा सतसंगत जी, गुरु खालसा पंथ दियां महान जथेबंदियां ते संप्रदावां दे मुखी साहबान, फतेह परवान करो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप खालसा जी बंदी छोड़ दिहाड़े दियां समूह देशां विदेशां दे विच बैठियां सिख संगतां नूं, समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत बहुत वधाइयां। खालसा पंथ दा इतिहास गवाह है। 300 साल पहला बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने जिन्हां हल वाहक किसानां नूं जमीनां दे मालक बनाया, अज उन्हां ही किसानां नूं उन्हां दीआं जमीनां अते उपज ते सरमाएदारी धर्म नूं हावी करन दे लई वर्तमान हुकमरान जतनशील हन। बंदी छोड़ दिहाड़े मौके समुचा खालसा पंथ किसानां मजदूरां समेत हर पीड़ित धर्म नूं केवल यह विश्वास ना दवाए कि पंथ दी शक्ति उन्हां नाल खड़ी है, बल्कि इस अंदोलन दी ढाल बन के यह लड़ाई लड़न लई अगे आवे। खालसा जीओ, असी सारे जानते हैं कि धरती दे चारे कोने पिछले समय तो कोविड-19 वर्गी भयानक बीमारी नाल जूझ रहे हैं। इस औखी घड़ी च लोड़वंदां दी मदद लई निभाईआं गईआं सेवावां लई समूह खालसा पंथ वधाई दा पात्र है, जिस ने 21वीं सदी च दुनिया उत्ते आए हुए संकट काल दौरान देश विदेश दे विच सभे सांझी वाल सदायन कोई न दिसै बाहरा जीओ दे गुरु साहिबान दे सिद्धांत अनुसार हर लोड़वंद इंसान दी तान मन धन दे नाल मदद कीती। सिख संगतां वल्लों देशां विदेशां विच निभाईआं इन्हां सेवावां सदका दुनिया भर दे लोकां दा ध्यान सिख कौम वल खिंचिआ गया अते विदेशां दे अंदर सिख कौम धर्म अते महान गुरुद्वारा संस्था बारे जानने लई एक जग्यासा दी लहर पैदा हो गई। खालसा पंथ दे न्यारे सिद्धांत अते संस्थावां दी मजबूती लई भविख च वी हर माई भाई नूं अपनी अपनी जिम्मेवारी समझदे होए पहरेदार बन के रहना चाहीदा है। अंत दे विच एक बार फिर समूह गुरु खालसा पंथ नूं बंदी छोड़ दिवस दीआं बहुत बहुत वधाइयां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का बंदी छोड़ दिवस सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मनाया गया। वड्डी गिणती विच संगतां ने नतमस्तक होकर गुरु रामदास के दर ते हाजरियां भरियां। बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वालियां दी सरप्रस्ती हेठ अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया गया, जिस दे विच कौम दे प्रसिद्ध कीर्तनीय भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी, भाई गोरिकबाल सिंह जी, भाई जसकरण सिंह जी पटियाला वाले, भाई गगनदीप सिंह गंगानगर वाले, भाई हरजीत सिंह जख्मी अते होर कई रागी जथियां ने इलाही बाणी दे मनोहर कीर्तन किए ते कई उच्चियां शख्सियतां ने इस प्रोग्राम दे विच हाजरियां भरियां। Oh, man.
संगती गुरुद्वारा प्रबंध लई लांबे साल शहादतां ते कुर्बानियां देण तों बाद गुरु पंथ की महान संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 100 साल संपूर्ण होने ते 17 नवंबर गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हॉल अमृतसर विखे समागम करवाए गए। अज पुछदे ने 327 सरूप कित्थे ने, पढ़ लो पड़ताल रिपोर्ट पढ़ो कित्थे है। वो पिंडां दे विच संगतां पास गए ने, गुरुद्वारा कमेटियां पास गए ने। 2008 तो पहला भाई चतर सिंह जीवन सिंह सरूप छापते रहे हैं। जे अज उन्हां नूं जाके पुछिए कि तुसी 100 साल तो सरूप छाप रहे हो, कित्थे दित्ते आ सरूप तुसी? भाई जवाहर सिंह एंड संज वाले जिहड़े ने पावन सरूप छापते रहे हैं, उन्हां नूं पुछिए जाके कि तुसी पावन सरूप कित्थे कित्थे दित्ते ने, की रिकॉर्ड है उन्हां कोले? आ श्रोमणी अकाली पंथ बुढ़ा दल के जथेदार सिंह साहब बलवीर सिंह बैठे ने, एक गुटका साहब इन्हां ने छापे ने, दास नूं भी भेट किया बंदी छोड़ दिवस वाले दिन, ये संगतां नूं भेट कर रहे ने। कल नूं इन्हां नूं कोई पुछे आके कि दसो कित्थे कित्थे गुटका साहब दिते ने, कित्थे दिते ने, की दसणगे? इह दमदमी टकसाल गुटका साहब छाप के वंडदी है, संगतां नूं दिंदी है, भेटा रहत दिंदी है। तो दमदमी टकसाल नूं कोई पुछे कि तुसीं गुटका साहब जिहड़े ने दिते ने कित्थे कित्थे दिते ने, कित्थों कित्थों रिकॉर्ड लभ के देणगे? इह इस तरह ये जिहड़े पावन सरूप ये रिकॉर्ड दे विचों कटे ने, इन्हां दी पैसे खाधे ने, बेईमानी की है मुलाजमान ने, तो जिहड़े मुलाजमान ने बेईमानी की है उन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सस्पेंड किया है, उन्होंने सस्पेंड किया हो। अज कही जा रहे ने कित्थे ने सरूप, कित्थे ने सरूप? छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय गुरु घर के अनिन्न प्रेमी माता कौलां जी के सपुत्र कौलसर सरोवर की सिख इतिहास में विलखण महत्ता है। प्रेमा भगती के स्रोत माता कौलां जी के स्थान कौलसर सरोवर विखे भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी ने बंदी छोड़ दिवस मौके 500 देसी घ्यो के दीव्यां की दीपमाला की। सिख सद्भावना दल के सरप्रस्त भाई बलदेव सिंह जी वडाला वालों पंथक हौके दी 3 मुख मंगा नूं लैके श्री अमृतसर साहब जी की विरासती गली तो पंथक इकट्ठ करके अगली रणनीति का किया जाएगा ऐलान। वातावरण ही जीवन है, वातावरण नूं बचाउण लई कई समाजिक संस्थावां अगे आ रही हैं। इसे संदर्भ विच बाबा कश्मीर सिंह जी पूरीवालियां वालों प्रशासन दे सहयोग नाल चाटीवंड अमृतसर विखे ग्रीन बैल्ट बनाउण दा कीता गया ऐलान। जिन्ना गड्डियां दा धुआं वा, जिन्ना पोल्यूशन फैल चुका वा, और उस पोल्यूशन दे नाल कई तरह दीआं बीमारियां जिहड़ियां ने, उह सानूं गाड़ी आउण वाले फ्यूचर दे विच हुण वी आ, प्रेजेंट वी आ, ते फ्यूचर दे विच वी असीं बीमारियां दा जिहड़ा वा शिकार हो रहे आ, ते वध तो वध बूटे भी अहीं लाइए तां कि सानू चंगी हवा ते एक मतलब शुद्ध जड़ा वा ऑक्सीजन जिहड़ी आ सानू मिल सके। इस करके ये मतलब बूटियां दा भी जड़ा वा ये काम जड़ा वा सेवा जिहड़ी आ अपना संगतां दे सहयोग दे नाल शुरू कीती गई आ। बंदी छोड़ दिवस मौके लुधियाना शहर दी रागी सभा वालों कीता गया क्रिकेट टूरनामेंट। इस मौके शहर के पतवंते सज्जणा ने की शिरकत ते जेतुआं नूं कीता ट्रॉफीज दे नाल सन्मानित। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु घर के महान रागी ढाडी प्रचारक वीरां वल्लों 5वां क्रिकेट टूरनामेंट करवाया गया 12-13 नवंबर, जिदे विच पंथक रागी सभा, निश्चय काफिला, गुरशबद कीर्तन कौंसल, रवजस रिकॉर्ड अते गुरु रामदास सेवा सोसायटी दे वीरां ने आयोजित किया गया। 8 टीमां पंजाब दे वख-वख शहरां तों आ के शिरकत करदियां ने, ते जिहदे विच सुहाणा 11 जेतू बनदी है, ते आजाद नगर क्रिकेट क्लब उन्हां ने उप जेतू दा खिताब लिया, ते इनामी राशि भी सी नाल दे नाल उन्हां नूं इनाम तकसीम किए गए ने, जिहदे विच सरदार सुरिंदर सिंह चौहान गुरु नानक सेवा मिशन, सरदार दलीप सिंह खुराणा श्री गुरु रामदास सेवा सोसायटी, सरदार जगवीर सिंह सोखी मैंबर SGPC, अते सरदा ज्ञानी जसवीर सिंह जी चाकर, सारिया वीरां ने बहुत भरपूर सहयोग दिता है। मैं सारे टीम दा, सारे वीरां दा, समूह रागी सिंघां दा तहि दिलों धन्नवादी हां, ते उम्मीद करदे हां अगे तो वध इस तरह के सलाघा योग कदम चुके जाणगे।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये अज दियां प्रमुख खबरां। अगलियां कुछ होर गतिविधियां ते सरगर्मियां नूं लैके जल्दी ही हाजिर होवांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।